थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आज हम करा रहे हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अब हम 16वां क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन है एन ऑड डिग्री पॉलीनोमियल्स इक्वेशन है, यानी कि जो विषम घात वाला बहुपद होता है इसमें से कौन सा कथन उसके लिए सत्य है। एटलीस्ट वन रियल रूट, क्या उसका कम से कम एक रूट रियल होता है। नो रियल रूट, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होता, केवल एक वास्तविक मूल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, जो ओड डिग्री पॉलीनोमियल होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और जो या ऐसे ऐसे भी हो सकता है इस टाइप का, ठीक है। इनमें से कोई सा भी टाइप होता है, लेकिन इसकी बात खास बात ये है कि एक्स एक्स को जरूर काटता है। जब एक्स एक्स को काटेगा तो इसका मतलब एक पॉइंट तो इसका जरूर होगा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, एटलीस्ट वन रियल रूट, यानी कम से कम एक वास्तविक मूल उसका जरूर होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज, एक रूट इनमें से कौन सा है। तो सीधी पहचान है कि ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, जो सेटिस्फाई कर देगा वो ही इसका रूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए एक्स बराबर जीरो दे रखा है, और टेन एक्स, एक्स के स्थान पर अगर मैं जीरो रख दूँ तो इधर जीरो और ये जीरो, टेन जीरो की वैल्यू हम जानते हैं जीरो। तो देखिए पहला वाला ही सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया ए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर हम बी और सी को देखते, और तीनों ही अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करते तब इसका डी आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज, इस समीकरण का वास्तविक मूल है। तो अगर इनमें से कोई सा इसका वास्तविक मूल है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के जो व्यंजक है इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ रखते हैं, तो पहले में देखिए माइनस वन है तो ओड पावर है, तो माइनस इन बाहर रख जाएगा, तो इसको 6×36 इंटू 6 आएगा, और माइनस के यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 36, ठीक। तो यहाँ पर हम देखें, यहीं से हमें देखें मालूम चल जाएगा 6×36 और 9 जो होगा 45, और ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो ज़्यादा आएगा 45 से, 36 की 6 गुणा करेंगे तो इसका मतलब जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला जो है इसका आंसर नहीं है। इसी प्रकार से देखिए माइनस 9 रखेंगे, तो माइनस 9 रखेंगे तो एक्स की जगह जब हम 2 9 रखेंगे तो माइनस चिन्ह तो आ नहीं आना, 9×81 × 9 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6×9 = 54 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 9×54 सही है, और प्लस के 9। अब देखिए यहाँ पर 54 और 9 जो होते हैं वो होगा 63, और इनकी गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से अब हम देखिए ये 6 रख के दें, 6 हम पहले रख चुके हैं यहाँ पे, तो बस क्या है, अगर मैं इसको प्लस कर दूँ यहाँ पे, यहाँ प्लस आएगा, यानी ये आएगा देखिए 36×6, और यहाँ पे माइनस का जाएगा 6×6 + 9। तो देखिए अब भी इसकी और इसको हम प्लस करेंगे तब भी ये 36 रहेगा, तब भी ये बहुत अधिक रहेगा प्लस की संख्या, यानी जीरो नहीं आएगा। अब देखिए जब हमारे तीन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब चौथा तो इसका आंसर हो गई, राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, यह जाएगा 3×3 = 9×27, और यह जाएगा 6×3 = 18, और प्लस के 9। देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा तो इसका राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन ये आर अल्फा एंड बीटा देन द वैल्यू ऑफ दिस, अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो हमें 1/α 1/β की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम करते हैं इसको कैलकुलेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी यहाँ से मूलों का योग निकालेंगे, और हम जानते हैं मूलों का योग होता माइनस के b/a, यानी कि हो जाएगा -4/3। इसके बाद गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल होता है c/a, c के स्थान पर कितना है 7 है, a के स्थान पर 3 है, ठीक। हमें क्या निकालना, 1/α + 1/β की वैल्यू, तो 1/α + 1/β। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम करके ये आएगा α+β/α/β। अब ये दोनों वैल्यू हमें मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है -4/3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/3। तो यहाँ हम 3 से 3 काट देंगे तो ये आ जाएगा -4/7। तो राइट आंसर इसका आ रहा है बी। तो
लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे है। द रूट ऑफ द इक्वेशन ये आर अल्फा बीटा, देन इक्वेशन हुज रूट आर दिस, हमें इस इक्वेशन की जो रूट है वो हमें दे रखी है अल्फा और बीटा। तो हमें एक नई इक्वेशन निकालनी है जिसके जो रूट है वो ये होने चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको हम करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला काम है कि हम जो इक्वेशन दे रखी है वहाँ से मूलों का योग निकालेंगे। हम जानते हैं मूलों का योग होता है माइनस के बी अपॉन ए। गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। अब मूल क्या है, 1/अल्फा प्लस के 1/बीटा और इनटू में एक्स, और फिर होता है प्लस के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इक्वल टू होता है 0। तो देखिए, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे और उसके बाद माइनस ऐसे रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स, और ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, तो हमने यहाँ रख दी अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा प्लस का बी अपॉन ए, और यह है सी अपॉन ए इंटू एक्स और अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन। ठीक, तो आई थिंक इट बिकम कट। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम इसका हो जाएगा सी, और यहाँ पे है सी, अच्छा ये है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक बात हो रहा है, यहाँ 1/अल्फा इंटू 1/बीटा है। ठीक है, क्योंकि मूल 1/अल्फा 1/बीटा, तो ये क्या हुआ, पलट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे ए ऊपर पहुँच जाएगा, सी जो हो जाएगा वो नीचे जाएगा। ठीक, अब हम देखिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस के बीटा एक्स प्लस के ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स वाले जो है वो ये नहीं है, लेकिन ये क्या वाई वाला टर्म है, तो इस वेरिएबल को हम चेंज भी कर सकते हैं। एक्स को हम किस में, वाई में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, चेंजेबल है, इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो गया इसका वाई, राइट आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, तो हमने थोड़ा यहाँ पर कर दिया, इसे देख लीजिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है इक्वेशन हैज, तो इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे ये हमें बताना। तो इसके लिए हम पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर देखिए 2, 3 या 6, यानी कि हो जाएंगे एक्स, चलो मैंने अब लिख दिया तो लिख दिया 2 mod x माइनस के 2 mod x और प्लस के 6। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, एक्स को हम मोड एक्स का स्क्वायर भी ले सकते हैं, मोड एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये भी ले सकते हैं 3 mod x 2 mod x और प्लस के 6। ठीक है, फैक्टर इसके पैसे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, तो एक्स माइनस एक्स मोड माइनस के 3 आ जाएगा, और दूसरा वाला आ जाएगा मोड एक्स माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ से एक आ जाएगा मोड एक्स इजिकल टू 3 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मोड एक्स इजिकल टू 2। जब मोड हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस के 3, ऐसे यहाँ भी प्लस माइनस के 2, यानी कि प्लस माइनस दो रूट ये हो गए, दो ये हो गए, कुल मिला कितने रूट हो गए, 4 रूट। तो राइट आंसर हो गया इसका 4 रियल रूट। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इस जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसके रियल रूट का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम जानते हैं प्रोडक्ट यानी गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए। तो सी के स्थान पे यहाँ पे 9 है, ए के स्थान पे क्या है, टी स्क्वायर। तो देखिए 9 नंबर ये तो पॉजिटिव ही है, और टी पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, यानी ये जो नंबर है वो ऑलवेज 0 से बड़ा रहने वाला है, यानी पॉजिटिव रहने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्क्रीन पे है, क्या है द इक्वेशन है, इस इक्वेशन के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ये मॉडुलस लगा है, और मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि निगेटिव है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो है ये है कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
नो सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमसे सॉल्यूशन पूछा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मोड एक्स इज ग्रेटर देन मान लीजिए ए है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का बनता है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है ए से अधिक है। अगर ये ए है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और इसके जो कॉरस्पॉन्ड होगा एक्स एक्स पे वो होगा ये वाला, ये एक्स एक्स पे, यानी कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू यहाँ से ए माइनस ए तक, ठीक है, और यहाँ प्लस ए टू इधर वाला इन्फिनिटी, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से देखिए ये वाला है, तो इसके आधार पे 2x प्लस 5 की जो इसे हम जब खोलेंगे तो क्या आएगा, जो 2x प्लस 3 होगा क्या होगा, लेस देन होगा माइनस है, यानी लेस देन होगा माइनस 5, यानी माइनस 5 से तो ए से तो छोटा होगा मोड x की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ मोड x की वैल्यू ए से बड़ी होगी, ए से बड़ी का मतलब 5 से बड़ी, तो 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमने लगाई क्योंकि यहाँ पे जो मोड यहाँ पे एक्स होगा क्या होगा, लेस देन माइनस ए, और या एक्स इज ग्रेटर देन, ये दो कंडीशन यहाँ पे होती हैं, या माइनस इन्फिनिटी टू ए भी लिख सकते हैं और इधर ए टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2x लेस देन माइनस 8 और एक्स लेस देन माइनस के 4, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे 2x इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा 2 और एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पर कैसे लिखेंगे, हम इसके सॉल्यूशन पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटा कितना होता, माइनस के इन्फिनिटी टू माइनस के 4, ठीक है, यूनियन ऑफ 1 टू ग्रेटर देन यानी कि 1 टू इन्फिनिटी, तो ये इसका आंसर। तो राइट आंसर कौन सा आ रहा है इसके अंदर, सी, सी इसका राइट आंसर हो गया। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ एम, अगर इस इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल है तो एम की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए हम कर देते हैं इसको सॉल्व, तो यहाँ पे रूट इक्वल है, तो जब रूट इक्वल होते हैं तो हम जानते हैं जो डी बराबर होता है वो जीरो होता है, यानी व्यक्तिगत जीरो होता है जब मूल इक्वल होते हैं, ठीक है, और व्यक्तिगत का मतलब वी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे b के प्लेस पे है m प्लस 1, यानी m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a के प्लेस पे है 4 प्लस m और c के प्लेस पे है 1, इक्वल में कितना जाएगा जीरो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे इसका, एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2m और ये माइनस के 4 चौक 16 माइनस के 4, ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे और एम स्क्वायर माइनस के 2m और माइनस के 15, ठीक। तो इट कैन बी फैक्टराइज, क्या होंगे फैक्टर्स के, 5 तिया 15 यानी कि माइनस के 3 और 5 तिया 15 6, तो ये प्लस के 3 करना पड़ेगा और प्लस के या माइनस के 5, देखो इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो माइनस का 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, तो यहाँ से एम की जो वैल्यू हो गई एक हो गई माइनस 3 और एक हो गई 5, तो यहाँ पर माइनस 3 तो दे रहे नहीं रखी, 5 दे रखी, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया ए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्स माइनस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है तो हमें के की वैल्यू निकालनी, तो हम जानते हैं कोई किसी का फैक्टर होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, जो x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब x बराबर जो 1 होगा वो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का मतलब है x के स्थान पे हम 1 रख सकते हैं, थ्री इंटू 1 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हम वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये, 3 प्लस से करेंगे तो 2 और 1 3
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू आ गया 4। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जो अभी हमने कराया था। तो जैसा कि हमने बताया था कि मोड एक्स इज ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, तो एक्स लेस देन इक्वल टू होता है माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन होता है, एक्स ग्रेटर देन होता है इक्वल टू होता है ए। तो ये दो कंडीशन होती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये माइनस ए से छोटी या एक्स की वैल्यू जो होती है ए से बड़ी। तो इसी आधार पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर काम कर रहा है ये, एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस के 10 होगा या एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 13, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 7। तो इसको इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के 13, क्लोज इंटरवल यहाँ पर आएगा क्योंकि इक्वल भी है, यूनियन ऑफ 7 से बड़ा, यानी कि क्लोज इंटरवल 7 टू इन्फिनिटी। तो इसमें देख लीजिए कौन सा इसका ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ पे कौन सा आंसर है, माइनस इन्फिनिटी टू 13, क्लोज इंटरवल 7 टू इन्फिनिटी, यानी राइट आंसर हो गया सी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे है। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे ये हमसे बताना, ठीक है। तो हम इसके ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। तो दो वर्गों के अंदर का सूत्र लगा देंगे हम इसके अंदर इस तरह से प्लस के रूट टू, ठीक है। और यहाँ पर इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के रूट टू। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जब बर्मूल लेंगे तो प्लस माइनस 2 की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर कभी भी निगेटिव होता नहीं है तो डैट इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आंसर जो है रुकेंगे कितने वास्तविक साधन होंगे, कितने हल होंगे, तो कितने होंगे इसमें प्लस माइनस 2, यानी प्लस का 2 की पावर 1/4 माइनस 2 की पावर 1/4, यानी 2 इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन। अगर साइन थीटा कॉस थीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो ए बी सी इनमें से किसको सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इसके रूट दे रखे हैं, तो हम जानते हैं कि मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या दे रखा है हमें साइन थीटा और बीटा की जगह दे रखा है कॉस थीटा, मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी माइनस पहले से ही बी अपॉन ए, गुणनफल हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। अब इनमें रिलेशन पूछा तो ये चीज़ हमें गायब करनी, अब ये गायब कैसे होगी, हम ये रिलेशन जानते हैं क्योंकि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये प्लस के टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बी अपॉन ए यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर और ये वैल्यू हमें हम जानते हैं 1 होती है। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू देखिए सी एफ होनी यानी कि 2 सी एफ ए। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ए इसका एलसीएम आएगा और एलसीएम लेके यहाँ पे ए आएगा और ए बचेगा फिर भी, तो ये आ जाएगा यहाँ कुल मिला के ए स्क्वायर और यहाँ पे आया 2 ए सी। तो यहाँ से इसको ले सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस के 2ac। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इसका राइट आंसर हुआ। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ ये वे डोंट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
तो इसकी एक महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन सूचित करता है। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा ये हमें बताना। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है फैक्टर में मोड एक्स हमें जो लाना है मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए और सम जो आना चाहिए माइनस के 5। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के 3, मोड नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और यहाँ से आ जाएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। ठीक है, तो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की मतलब क्या होता है कि जो एक्स है वो क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू 3 to 4, यानी 4 से जितने भी फोर को छोड़ के जितने भी छोटे वैल्यू होगी उन सभी की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। और इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 2, क्लोज इंटरवल कहाँ तक, 3 तक। 3 क्या होगा यहाँ पे, ओपन होगा। तो कुल मिलाकर हम इन दोनों दोनों को कंबाइन करके क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, 2 क्लोज इंटरवल रहेगा और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, और ये ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, अगर हम 4 से थोड़ी वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 से छोटी होगी उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो राइट आंसर हो गया 2 4, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ तक अब हमने जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू किए थे वो हमने करा दिए। इसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।